अभी बज चुका है 7:07 PM और जय अभी तक उठा नहीं है, सोया है वो, उसको उठाने से उठ नहीं रहा है। और मैं अभी आलू और जो बरबटी रहता है उसका फ्राई बनाई हूँ, और सुबह जो है काफ़ी सब्जी बच गया था, आवियल एंड लौकी का सब्जी थोड़ा थोड़ा बचा है तो इसलिए थोड़ा सा फ्राई बना ली हूँ। और अभी इवनिंग में जो है मैं अपने हेयर में जो है ऑयल लगाई हूँ, बहुत दिन के बाद लगाई हूँ तो बाल लगाने के बाद और जस्ट रोटी बनाना बाकी है। और अभी मैं इधर बैठी हूँ, जो है सोया है तो उसको उठा के मैं कोशिश कर रही हूँ उठने का, लेकिन वो जो है उठने का उसको मन ही नहीं है। तो कोई मुझे पूछा था कि आप खाली जो कुकिंग करते रहते हैं क्या, ऐसा नहीं है कि खाली कुकिंग करते रहती हूँ, जैसे कि जितना मैं शूट करके दिखाती हूँ कुकिंग का पोर्शन तो आप लोग को लगता है कुकिंग करती हूँ, खाली कुकिंग करने से काम थोड़े ना चलेगा, बाकी सब तो काम करना पड़ता है, बच्चा है उसको देखना पड़ता है, उसके बाद जो है घर का बाकी शाम काम भी है, साफ़ सफाई है और सब्जी फ्रिज क्लीनिंग इतना सारा कपड़े धोना सारा काम है। तो कभी कभी मैं दिखाती हूँ, डेली तो ये सब नहीं दिखाती हूँ, तो कुकिंग का अगर कोई एक न्यू रेसिपी बनाती हूँ तो उसको मैं खुद हर एक वीडियो में एक तो जो रेसिपी रहता है उसको तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही करती हूँ। तो यही था, तो अभी जाके मैं किचन में दिखाऊंगी आप लोग को कि क्या क्या मैं बनाई हूँ। और आज जस्ट आलू और फ्राई बना चुकी हूँ, और आज बनाने का मुझे मन नहीं किया, इवनिंग में काफ़ी जो है बारिश हो गया था, बहुत ज़ोर से बारिश हो गया है, जैसे कि लग रहा है कि बारिश का मौसम आ गया है, 3-4 दिन से बारिश हो रहा है। और हेड कहाँ गया आपका, आपका हेड कहाँ गया, लाओ लगाना है, नहीं लगाना है और मेरा तो फ्रेंड्स अभी जो है मेरा सडन प्लान बन गया कि हम लोग अभी खीर बनाएंगे, क्योंकि कल जो है बारिश हो रहा था इधर तो ज़्यादा बहुत जोर से बारिश हो रहा था, तो जहाँ से हम लोग मिल्क लाते हैं वो अंकल मिल्क ला के नहीं दिए, तो आज जो है एक साथ 2 लीटर लाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका जो है खीर बना लूँ, क्योंकि खीर तो घर में सबको ही पसंद है, तो जय के पापा को तो काफ़ी पसंद है, तो उसका खीर बना लूँगी और बाकी जो मिल्क है उसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि कल अगर चाय पीना हो रहेगा तो पियेंगे। और हम लोग जो है मैक्सिमम जो है देसी गाय का मिल्क या देसी चिकन, ऐसे देसी वाला जो चिकन राइस जो भी होता है जो पॉसिबल हो सकता है उसे देसी वाला खाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में इतना मिलावट है कि क्या करेंगे, तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है नॉर्मल चीज़ जो है खाने का कोशिश करते हैं। ब्लू गाने वहाँ पे वैसे जाके नीचे से निकालो, हाँ वैसे निकालो। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे खीर बनाती हूँ। आज तो ज़्यादा कुछ कोई भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर नहीं की हूँ, तो अभी मैं खीर कैसे बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा सब लोग खीर बनाते हैं कैसे बनाते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से किचन में देखते हैं कि कैसे मैं खीर बनाती हूँ। तो अभी जो है मैं किचन आ चुकी हूँ और इधर चावल बैठा चुकी हूँ खीर बनाने के लिए, जो कि हो चुका है।
और इधर दूध भी उबल चुका है। और मैं जैसे कि बताई थी आप लोग को बरबटी आलू का फ्राई बनाई हूँ, तो ये है। तो अभी ये बना रही हूँ मैं, काजू को छोटा छोटा कर रही हूँ। काजू किशमिश डालना है खीर में। तो खीर तो जो है लगभग बन चुका है, और इसमें मुझे चाहिए घी थोड़ा सा, जो कि घी हम लोग घर में ही बनाते हैं, खुद का जो है जो मलाई निकालते हैं और घी बनाते हैं। और ये दूसरा लीटर जो है दूध आ चुका है, तो इसको भी गर्म करना है। तो चावल को मैं उतार दी हूँ, और ये दूध जब गर्म हो गया तो चावल को इस तरीके से डाल देंगे डायरेक्ट खीर बनाने के लिए। तो जस्ट उबाल आने के बाद दूध में इसमें मिक्स कर देना है, तो ये रेडी हो जाएगा। और पीछे से जोए भी आ चुका है। और इस साइड में जो है मैं काजू किशमिश को थोड़ा सा घी डाल के फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं हल्का सा। ज़्यादा अगर गरम में करेंगे तो वो जल जाएगा, तो इस ऐसे देसी घी डालने से इसमें जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा, अभी मैं रोटी बनाऊंगी। खीर लगभग हो चुका है, तो रोटी के लिए आटा गूंद के रखी हूँ, और उसमें थोड़ा सा और आटा देके उसको अच्छे से मल लूँगी। उसके बाद उसका छोटा छोटा गोला करके रोटी बना लूँगी। तो पैन को मैं बैठा दी हूँ, गरम होता रहेगा। और दूसरे साइड में मेरा खीर भी जो है उबल रहा है। तो तुरंत ही मेरा डिनर जो है प्रिपेयर हो जाएगा, और सब्ज़ी जो है मैं पहले से बना चुकी हूँ। तो इधर मेरा रोटी बन रहा है, और मैं इस तरीके से जो है रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा गैस का जो है जिस टाइप साइड में मैं दूध रखी हूँ उसका फ्लेम बहुत स्लो है, तो दूसरे साइड में मुझे बनाना पड़ता है। और इधर रोटी बनाने नहीं बनता, तो थोड़ा सा दूर हो जाता है बनाने में, लेकिन चलता है। तो काफ़ी लेट हो चुका है, जैसे कि मैं बताई थी 7 बजे आप लोग से बात करना शुरू की थी, तब तक मिल्क नहीं आया था। मिल्क आते आते 8:30 हो जाता है। तो इधर जो है मेरा खीर बन चुका है, और हम लोग अभी खाने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और ये जो है मेरा काजू किशमिश जस्ट इसमें डाल देना है, तो ये खीर रेडी हो जाएगा। तो यही था खीर का रेसिपी। ऐसे तो सबको पता ही होगा खीर कैसे बनता है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी जल्दी जो है बन जाता है। और यही था मेरा आज का डिनर रूटीन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या है करना है आप लोग को पता ही है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और नया है आप लोग मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन बेल उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास चले जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।